Dear students, the topic which we are going to discuss is personal safety. In the case of personal safety, first of all, we must know the workplace stress. Workplace stress, defined as workplace stress, involves the emotional state resulting from a perceived difference between a level of occupational demand and a person's ability to cope with this demand. अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखें डी स्टूडेंट्स तो देर आर टू कॉन्सेप्ट नंबर वन लेवल ऑफ ऑक्यूपेशनल डिमांड कि जो आपकी ऑक्यूपेशन है वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है और सेकंड इंसान की एबिलिटी उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए अगर इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस आ जाता है तो डी स्टूडेंट्स देर विल बी वर्क प्लेस स्ट्रेस एन एनवायरमेंट दैट अ वर्कर फाइंड स्ट्रेसफुल बाई जनरेटिंग फीलिंग्स ऑफ टेंशन एंगर फटीग कन्फ्यूजन एंड एंग्जाइटी ये वो मुख्तलफ़ किस्म की एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आपको आइडिया होगा कि वर्क प्लेस स्ट्रेस एग्जिस्ट कर रहा है सोर्सेस ऑफ वर्क प्लेस स्ट्रेस वर्क प्लेस स्ट्रेस की कुछ सोर्सेस हैं जिनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें नंबर वन है टास्क कम्प्लेक्सिटी कंट्रोल फीलिंग्स ऑफ रिस्पॉन्सबिलिटी जॉब सिक्योरिटी ये जितने भी मैंने टॉपिक्स डियर स्टूडेंट्स आपके लिए लिखे हैं इनका मकसद ये है कि जब भी आप लोग वर्क प्लेस स्ट्रेस के सोसेज को देखें तो इन टॉपिक्स को देख लें अगर इनको वन बाई वन देखा जाए तो टास्क कंप्लेक्सिटी यहाँ से वर्क प्लेस स्ट्रेस स्टार्ट होता है अगर आपको टास्क की अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको असाइन की गई आपकी उस पर ग्रिप नहीं है या आप उस टास्क को अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे तो हाउ यू कैन कम्प्लीट दैट टास्क यहाँ से ही प्रॉब्लमेटिक इशूज शुरू हो जाएंगे कंट्रोल आपके अंडर टेन इम्प्लॉज काम कर रहे हैं आपका उन पर कंट्रोल नहीं है हाउ यू विल मैनेज थिंग्स फीलिंग्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टास्क लेना इंपॉर्टेंट काम नहीं है उसको परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट है आपको जिम्मेदारी मिली डिप्टी मैनेजर से या प्रमोट होकर मैनेजर बन गए लेकिन आप उसको फील नहीं कर रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपका बिहेवियर डिप्टी मैनेजर वाला ही है

जो वर्क शेड्यूल है उसका प्रॉपर ड्यूटी रॉस्टम इशू ही नहीं होता डेली बेसिस पे आपको मालूम नहीं है कि वट द टास्क यू विल परफॉर्म ऑन डेली बेसिस वर्क शेड्यूल के ना होने से जॉब स्ट्रेस पैदा होता है होम एंड फैमिली प्रॉब्लम सम टाइम इट मे हैव बीन सीन कि देर इज़ सम प्रॉब्लम इन योर फैमिली इशूज़ इफ़ इज द प्रॉब्लम इन योर फैमिली इशूज दैन द रिजल्ट विल बी द परफॉर्मेंस ऑफ दैट वर्कर विल बी डिक्लाइंट वर्क रिलेशनशिप वर्कर रिलेशनशिप ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं कि वर्कर का आपस में रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता या आप अपने काम से मुतमिन नहीं होते तो इट इज़ आल्सो वन सोर्स ऑफ वर्क प्लेस स्ट्रेस वर्क लोड डिमांड आपको काम दिया जा रहा है लेकिन आप इस पोजिशन में नहीं है कि उस काम को परफॉर्म कर सके इट इज द वन सोर्स ऑफ जॉब स्ट्रेस एंड लास्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट इंसान को साइकोलॉजिकल फिट होना चाहिए जिससे भी परफॉर्म करने के लिए जॉब को साइकोलॉजी से इसका तल्ल है साइकोलॉजी साइकी माइंड को कहते हैं ओ कनेक्टिंग लेटर है लॉग स्टडी को कहते हैं वाई प्रोसेस को कहते हैं साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड या अ प्रोसेस विच स्टडी माइंड इज नोन एज साइकोलॉजी और वो चीज़ें जो माइंड के रिलेटेड हैं उनको साइकोलॉजिकल मैटर्स साइकोलॉजिकल थिंग्स बोलते हैं तो बाजूक़ात आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं होती मेंटली यू आर नॉट अ प्रेजेंट इन योर जॉब

कैटेगरीज सब्जेक्टिव और इमोशनल या आपको एंग्जाइटी होगी या एग्रेशन होगी या गिल्ड फील होगा इन चीजों का तलक आपके इमोशंस के साथ है फीलिंग्स के साथ है बिहेवियरल बिहेवियर इज द आउटपुट ऑफ योर एटीट्यूड बिहेवियर में क्या है एक्सीडेंट अब मेंटली प्रेजेंट नहीं है वट विल हैपन देर में भी समर्ट ऑफ इंजर आर एक्सीडेंट प्लोनेट्स आर टैंपलिंग अब फिज़िकली आप प्रेजेंट यहाँ पे तो हैं लेकिन मेंटली प्रेजेंट नहीं है आपको अक्सर लोगों ने ये कहते हुए बताया होगा या आपने सुना होगा एक्शंस स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स तो इसका मतलब ये है कि इंसान का जो बिहेवियर है उससे चीज़ों को जज किया जाता है ना कि उसके एटीट्यूड से तो ये दोनों कंसेप्ट का तलक है रिएक्शन वर्क प्लेस स्ट्रेस के साथ ह्यूमन रिएक्शन टू वर्क प्लेस स्ट्रेस अगर इनको फर्दर देखा जाए तो इनका लिंक कॉगनेट के साथ भी होता है कागनेटिव कॉग्निशन से काग्निशन साइकोलॉजी से साइकोलॉजी मैंने अभी बोला आपको स्टडी ऑफ माइंड को बेटा बोलते हैं फिजियोलॉजिकल इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर कुछ लोग टेंशन ले लेते हैं काम के टेंशन की वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है कुछ लोगों को शुगर हो जाती है ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशनल में दो तीन चीज़ें एग्जिस्ट होती हैं प्रोडक्टिविटी अब अगर आप एबसेंट होते हैं या पोअर प्रोडक्टिविटी है तो इसका मतलब यह है कि देर इज समथिंग रॉन्ग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन तो इन सब चीजों का ताल्लक ह्यूमन रिएक्शन टू वर्क प्लेस स्ट्रेस के साथ है ह्यूमन रिएक्शन टू वर्क प्लेस स्ट्रेस को अगर हम डिफाइन करें तो यह कॉन्टिन्यूल है परसिस्टेंट है कॉन्टीन्यूअल और परसिस्टेंट का मतलब यह है कि यह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लंबे अरसे तक चलता है ऐसा नहीं है कि एक डिसटिस्फाइड इंप्लाइज है तो आप विद इन फ्यू डेज उसको दोबारा सेटिसफाइड कर लेंगे देर इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस जिसको देखते हुए इंप्लाई के लिए हम डायग्राम बनाएंगे इम्प्लाई के लिए पॉलिसीज डिजाइन करेंगे और ऐसी पॉलिसीज हों जो सब इम्प्लाइज के लिए बेनिफिटेड हों वर्क प्लेस स्ट्रेस वर्क प्लेस स्ट्रेस को मेयर कैसे किया जा सकता है एबसेंटिज्म परफॉर्मेंस इंप्लाई बिहेवियर एंगर एग्रेशन कुलीग रिलेशनशिप कुलग डिससेटिस्फेक्शन अगर ये फैक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वर्क प्लेस डिससेटिस्फैक्शन एग्जिस्ट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन में वर्क प्लेस स्ट्रेस एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ से इन चीज़ों को आप देख सकते हैं और अगर स्पेसिफिकली देखा जाए टू स्टूडेंट्स तो सब्जेक्टिव रेटिंग है बिहेवियरल टाइम शेयरिंग टेक्निक्स हैं साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं लेकिन ये तीनों चीज़ें जो मैंने अभी बोली थी इनका उनके साथ लिंक है शिफ्ट वर्क स्ट्रेस एंड सेफ्टी शिफ्ट वर्क कैन रिक्वायर सम इम्प्लाइज टू वर्क वैन द मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर रेस्टिंग कुछ इम्प्लाई रेस्ट कर रहे होते हैं उस वक्त आपको काम रिक्वायर्ड है उस वक़्त किन लोगों की ड्यूटी आपने लगानी है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्पल सैटरडे संडे नॉर्मली हॉलीडेज होती हैं अब सैटरडे सन्डे आपने काम लेना है अगर आप इम्प्लाई को कॉल करेंगे अब जो इम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड है उसके ऑर्गेनाइजेशन में आने के चांसेज बहुत कम होंगे लेकिन जो सेटिसफाइड वर्कर है he

उनकी ड्यूटी रोटेट होती है एक ड्यूटी आठ घंटे की है उसके बाद एक और ड्यूटी रिक्वायर्ड है आठ घंटे की इफ़ ही शी अर्टिसफाइड वर्कर तो वो डबल ड्यूटी भी सम टाइम परफॉर्म कर देगा ऑर्गेनाइजेशन की फेवर के लिए अगर वहाँ पर एम्प्लॉज लैक कर रहे हैं या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम है अगर वो डिससेटिसफाइड है या अंडर स्ट्रेस है तो उस बंदे के जॉब परफॉर्म करने के चांसेस कम हो जाते हैं रिड्यूसिंग द स्ट्रेस एसोसिएटेड विद वर्क शिफ्ट वर्क अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप वर्क शिफ्ट स्ट्रेस को कम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं नंबर वन एनकर्ज शिफ्ट वर्कर्स टू एक्सरसाइज रेगुलरली एनकर्ज शिफ्ट वर्कर टू अवॉइड कैफीन अल्कोहल नार्कोटिक्स और एनी अदर ड्रग्स विच विल इफेक्ट द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच विल इफेक्ट एबिलिटी ऑफ द इम्प्लाईज और एबिलिटी टू स्लीप अगर ये तीन चीज़ों का आप ख्याल रख लेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगा रिड्यूसिंग द स्ट्रेस एसोसिएटेड विद शिफ्ट वर्क का अगर लास्ट पॉइंट हम देखें डी स्टूडेंट्स इसमें यह कहा गया है कि टू रिड्यूस द स्ट्रेस एसोसिएटेड विद शिफ्ट वर्क सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोफेशनल कैन अप्लाई द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इफ शिफ्ट वर्कर्स कॉन्ट स्लीप विदाउट सम टाइप ऑफ स्लीप एड द फूड सप्लीमेंट अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई इम्प्लाई फूड सप्लीमेंट ले रहा है या मेडिसिन ले रहा है अपने स्लीप टाइम को कंप्लीट करने के लिए तो ये चीज़ें शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए तो इंपॉर्टेंट हैं लेकिन ये लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है और ये चीज़ें इम्प्लॉ की जो वर्क प्लेस स्ट्रेस है उसमें इजाफे का बायस बनेगी ना कि रिड्यूस करने का बायस बनेगी